मजबूत। शहर संग्राम के लिए चुनाव प्रचार अब थम गया है। निर्वाचन पार्टियों को यहां से स्ट्रांग रूम से निर्वाचन सामग्री का वितरण होगा और उसके बाद 13 तारीख को नगर सरकार के लिए वोटिंग होगी। पिपरिया के 21 वार्डों के 48 बूथों पर 39,000 मतदाता नगर सरकार के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं निर्वाचन पदाधिकारी और ऊर्जावान SDM नितिन टाले जी। आइए जान लेते हैं चुनाव कराने को लेकर क्या कुछ तैयारी है निर्वाचन की। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, क्या तैयारी 48 बूथों पर 39,000 मतदाता सुगमता से वोट डाल। जो आयोग के निर्देश थे कि सभी मतदान केंद्रों पर बेसिक एम्यूनिटीज़ हों, वो सारी एम्यूनिटीज़ हमने प्रोवाइड करने का प्रयास किया है, अप टू डेट रखी है और बारिश को मद्देनजर रखते हुए समुचित पहुंच मार्ग हैं और जो रूफ छत से पानी ना टपके, रिसाव ना हो, उसके लिए समुचित व्यवस्थाएँ हमने की। सर निष्पक्ष होकर मतदाता मतदान करे, निडर होकर मतदान कर सके तो कितना फोर्स लगा रहे हैं सर? इसमें समुचित फोर्स लगेगा, व्यवस्थित मात्रा में फोर्स रहेगा और QRT रहेगी, सतत हमारी निगरानी रहेगी, जिले से कलेक्टर महोदय, SP सर और ऑब्जर्वर सर भी रहेंगे। तो केवल 13 स्पॉट ऐसे हैं जहां पर हमारे 48 केंद्र स्थापित हैं, तो सिक्योरिटी को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं, सारे चाक चौबंद व्यवस्था। अभी मतदान के एक दिन पहले की अगर बात करें है और कल थोड़ा सा कि कहीं कोई वोटरों को प्रभावित ना करे धन बल से या किसी और प्रकार से, तो उसके लिए कुछ मॉनिटरिंग की जा रही है? नहीं, वो सतत मॉनिटरिंग हमारी चल रही है, कहीं वल्नरेबल या क्रिटिकल ऐसे जो वोटर्स हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, पर अब वो समय चला गया कि किसी प्रकार से वोटर्स को प्रभावित कर पाएँ, वैसी कोई समस्या नहीं है शहर में। मतदाताओं के लिए हमारे केसरिया न्यूज़ के माध्यम से कोई अपील, मतदाता इस मतदान में भाग लें? इस समय इन परिस्थितियों में चुनाव कराना हमारे लिए भी चुनौती का विषय है और मतदाता के लिए भी, कि ऐसे बारिश के मौसम में निकल के आए वो और अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करके अपने लिए सरकार चुने और सब 5 साल अपने मन का काम करा पाए, ऐसी मैं अपील करता हूँ। तो ये थे निर्वाचन पदाधिकारी नितिन टाले जी, जो कि कह रहे हैं कि मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र की बढ़ाएं शान और 13 तारीख को नगर सरकार बनाने के लिए जरूर करें मतदान। कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलोक हरदेनिया, केसरिया न्यूज़।